अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ब्राइडल मेकअप। सो इसके लिए हम चलते हैं जल्दी से। हम यूज़ करेंगे कैलॉन की पेन स्टिक और इसे हम आपको अपने अप्लाई कर देंगे और ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। फिर मिस रोज़ का कंसीलर अप्लाई करेंगे, इससे फिर इसको नीट करके हम लूज पाउडर लगा देंगे मिस रोज़ का। एंड अब हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। मेरी आईब्रो बनी हुई नहीं है तो मैं थोड़ा लाइट सा ही पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ और मोटी लगेंगी, तो आप इसकी जगह ब्राउन शेड भी यूज़ कर सकते हो जो आईब्रो के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। अब हम कंसीलर से अपने आईब्रो को नीट कर रहे हैं, इसको अच्छे से नीट कर लेंगे आईब्रो को। नाउ वी अप्लाई द शेड ऑफ पीच कलर का जो शेड है वो अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट हम सिर्फ शेड को यहाँ पे अभी रख रहे हैं, सिर्फ हम इस शेड को अभी अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे अच्छे से। ब्लेंडिंग ब्रश दिखा रही हूँ मैं आपको, इसकी मदद से हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। स्मूथली हाथ हमने लेके जाना है। मैंने तो साइड रिकॉर्डिंग करनी थी तो मैं इसको तेज से चला रही हूँ, तो आप लोग जो है वो आराम आराम से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। फिर थोड़ा सा मरून शेड ले रही हूँ, ठीक है, क्रीज लाइन पे, और इसको रख देंगे हम इसी ब्रश से रख देंगे। उसके बाद फिर दोबारा हम ब्लेंडिंग ब्रश से इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। हमने जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा शेड मिक्सअप होकर दोनों का आएगा। फिर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद लाइट भी हो जाएगा थोड़ा। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा ब्राउनिश शेड लिया है जो हम अपने कॉर्नर पे डैप करेंगे और इसको बाद में हल्का सा हम ब्लेंड कर देंगे। हल्का सा टैप करने के बाद हमने थोड़ा सा ब्लेंड किया है, थोड़ा सा सिर्फ शेड को जो है हमने ब्लेंड करना है। हर चीज़ की ब्लेंडिंग अच्छी सी होनी चाहिए। अच्छा, हम जो है ना अब कॉर्नर्स पे अपना सिल्वर सा शेड अप्लाई कर रहे हैं। ये मेरे को थोड़ा सा था, इसको मैंने थोड़ा सा ना ब्रश को गीला किया है और फिर उसके बाद अप्लाई किया है, तो थोड़ा सा ये डार्क शेड में आया है। अब इसके बाद हम कंसीलर ले रहे हैं और इसको फिंगर पे लगाने के बाद अपनी आई पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने पूरे पे अप्लाई नहीं करना है, आई बॉल तक हमने इसको अप्लाई करना है। अब हम इसको उस पर गोल्डन शेड ले रहे हैं और इसको अच्छे से जो हमने कंसीलर अप्लाई किया था उस जगह पे इसको लगा देंगे। ये लाइट सा गोल्डन शेड है तो हम फिंगर की मदद से इसको लगा रहे हैं अच्छे से। अच्छा, यहाँ हमने दोबारा से थोड़ा सा वही ब्राउन शेड लेके थोड़ा सा उसको दोबारा से ब्लेंड कर रहे हैं हल्का हल्का सा रख के, क्योंकि गोल्डन शेड लगाने के बाद दोनों को हल्के से मिक्स करना है शेड को ताकि वो अच्छा और इक्वल आए। अब मैंने अपनी ये लैशेस ग्लू ले ली है और इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर पर लेने के बाद हल्के से लगाया। अब इसकी जगह ग्लू भी, ग्लिटर ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके लिए ये अप्लाई की है, मैंने ग्लू लैशेज ग्लू अप्लाई की है। फिर मैंने गोल्डन, सिल्वर और कॉपर तीनों ग्लिटर्स को मिलाकर और फिर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ अपनी आई पे, तो एक अच्छा सा बन गया है, अच्छा सा लुक आ गया है इसका, एक अलग ही कलर बन गया है इन तीनों को मिक्स करने के बाद, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था तो इसीलिए मैंने इसको अप्लाई किया है। अच्छा, कंप्लेन होती है कि ये हमारी ग्लिटर जो है वो अक्सर फॉल आउट हो जाती है, तो इसके लिए आप पहले से अच्छे से मिस रोज के लूज पाउडर को अपनी आईज के नीचे अप्लाई कर दें, तो बाद में इसको जब आप ब्रश से हटाएंगे तो हमारी ग्लिटर जो है ये आराम से हट जाएगी। तो अच्छे से अप्लाई हो गई है। अब मैंने मिस रोज का मस्त लाइनर लिया है और मैं ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगा रही हूँ, नॉर्मल जिस तरह हम लाइनर लगाते हैं उसी तरह हम लाइनर अप्लाई कर रहे हैं।
अच्छा ये वाइट पेंसिल जो है मैं ये यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से अप्लाई करना है। अगर बिल्कुल आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप रेलॉन को भी किसी ब्रश के बैक साइड से लगा सकते हैं। अब मैं मस्कारा हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग लैशेस लगा लेंगे। लैशेस हमने अप्लाई कर दी हैं। हम लैशेस के ऊपर हल्का सा मस्कारा लगाएंगे और इसके बाद हम लोग जो है वही हमने मरून ब्राउन शेड को मिक्स करके लिया है और आइस के हम लोग नीचे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारा से कंप्लीट लुक हो गई है। लेकिन इसके बाद हम हाइलाइटर लेंगे जो अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर देंगे आइस के। तो ये जी हमारी ब्राइडल लुक जो है आइस की वो कंप्लीट हो गई है। आई होप सो कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। आईब्रो को आप लोग अच्छे से नीट कर लीजिएगा। अगर आपके आईब्रो बनी होगी तो अच्छे से आप इसको ब्राउन कलर से कीजिएगा। मैंने लाइटली किया है और आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसके अलावा कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं आप कौन सा मेकअप सीखना चाहते हैं। तो याद रखिएगा तो हमें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।